के एक्ट्रेस और बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स में नंबर वन रहने वाली एक्ट्रेस गौहर खान ने आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट के जरिए से उन्होंने सभी से सॉरी कहा है। जी हाँ, एक अपोलॉजी का मैसेज शेयर करते हुए गौहर खान ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है, जिसे देखने के बाद तमाम लोग कई सवाल उठा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में जानकारी देते हुए हम आपको बता दूं कि ये सवाल क्यों उठ रहा है और किस बात की या माफ़ी मांग रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूस, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूँ कि गौहर खान रिसेंटली एक जब रमादान करके आई है और उम्रा कंप्लीट की अपने हस्बैंड के साथ, प्रेग्नेंट होने के साथ साथ वो इस बार के रमज़ान में अपने हस्बैंड के साथ उम्रा कंप्लीट की है और बहुत खुश है। इसके साथ इन्होंने पोस्ट करके ये भी कहा था कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मेरा एक ड्रीम कंप्लीट किया, मैं चाहती थी कि मेरे हमसफ़र के साथ, मेरे पार्टनर के साथ मैं उम्रा कर पाऊँ और मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया है, बहुत खुशी है, बहुत सुकून है मुझे। इसके साथ साथ जस्टिन बीबर और इनकी वाइफ हेली बीबर ने एक रमदान का एक वीडियो पे, एक डांस वीडियो पे या किसी आप कह सकते हो उनका नमाज़ पढ़ने के वीडियो पे, किसी एक पे उन्होंने कमेंट करके ये कहा, मतलब हंसी फनी वाला कमेंट करके कहा कि ये लोग कैसे फास्ट रख रहे हैं, ये लोग को पढ़ी नहीं है कि ये लोग खुद के बॉडी के न्यूट्रिशन को कम कर रहे हैं, इस वजह से कुछ उन्होंने पोस्ट किया था। और गौहर खान ने, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती है और बहुत सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट वगैरह भी आते हैं, उन्होंने जस्टिन बीबर के अकाउंट पे जाके एक पोस्ट पे उन्होंने ऐसा कमेंट किया कि यू आर सच अ डम। इसके साथ साथ उन्होंने ये लिखा कि इनको पता ही नहीं है कि रमज़ान में रोज़ा रखने का कितने फ़ायदे हैं और ये हमारे हेल्थ को कितना ठीक रखता है। इसके बाद से जो होना था वो तो लाजमी है, क्योंकि बवाल तो उठना ही था भाई। गौहर खान ने किसी ऐसे वैसे को कमेंट नहीं किया और जस्टिन बीबर ने बेशक गौहर खान को नहीं कहा रहेगा, लेकिन मुस्लिम्स लोगों के ये जो ट्रेडिशन से, ये जो कस्टम्स है और इनका जो बिलीव है अल्लाह के ऊपर, इनके चीज़ों को लेके, नमाज को लेके, इस पे जिस तरीके का सवाल उठाए थे उस पे गौहर खान ने रिएक्ट किया था। ऐसा नहीं कि वो गौहर खान पे कुछ बोल रहे थे, बल्कि वो उस कम्युनिटी के फास्ट के ऊपर उन्होंने कुछ कहा था। तो गौहर खान ने ये चीज़ कहा और रिसेंटली गौहर खान ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हेलो एवरीवन, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अच्छे से भी हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर अनजाने में ही अगर मुझसे किसी, अगर मेरे थ्रू से कोई हर्ट हुआ है या मैंने किसी को हर्ट कर दिया है सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, लेकिन अगर मेरे थ्रू से किसी को हर्ट हुआ है तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और तो और इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे अकाउंट का मिसयूज़ किया गया है, किसी और ने मेरे अकाउंट से ये चीज़ का मैसेज किया है, मेरे अकाउंट का मिसयूज़ किया गया है और मैं इस चीज़ का पता भी करूँगी। अभी कितना मिसयूज़ हुआ है, क्या हुआ है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गौहर खान की ये सॉरी मैसेजेस के बाद लोगों ने मिक्स रिएक्शन देना शुरू कर दिया। आधे लोग ये कह रहे हैं कि चलो अच्छा है, इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा क्या कि इन्होंने किसको रिप्लाई दिया था, और आधे लोग ये कह रहे हैं कि अगर तुम हमारे लिए स्टैंड ही नहीं ले सकती तो फिर एक दो मिनट का दिखावा ना क्यों किया, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जिस वजह से उन्होंने उनको कॉमेंट किया था उस पर अड़ी रहती तो शायद ये कॉमेंट्स नहीं आता, बट वो अड़ी नहीं रही, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं सॉरी हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि आप लोग के सेंटीमेंट्स को हटो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गौहर खान के इस रिएक्शन पे आपका क्या रिएक्शन है, क्या गौहर खान ने जिस वे से सुना दिया था एक कमेंट पे वो सही था, या फिर जिस वे से इन्होंने सॉरी कहा है और अपनी बात को एक सफाई के तौर पे ये कहा है कि मेरे अकाउंट का मिसयूज़ किया गया है, ये बात सही है, आपका क्या रिएक्शन है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिफा फूस।